हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग M34 5G फ़ोन में आप लोग नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने जो है किसी को कॉल किया है और कॉल पे जो है आवाज़ यहाँ पर अटक अटक के आ रहा है और आप लोगों का जो नेटवर्क का ये डंडिया है वो भी बहुत कम हो गया है, तो अगर आपके फ़ोन में जो है कुछ इस तरीके का नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है गाइस, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस कनेक्शंस का, तो इस कनेक्शंस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा गाइस मोबाइल नेटवर्क्स का, तो इस मोबाइल नेटवर्क्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एक्सेस पॉइंट नेम्स का, तो इस एक्सेस पॉइंट नेम्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस एक्सेस पॉइंट नेम का जो सेटिंग है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पर आप लोगों को जो है इस एक्सेस पॉइंट नेम्स या APN सेटिंग भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो इस APN सेटिंग को जो है आप लोगों को रीसेट करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रीसेट करने के लिए यहाँ पर एक 3-डॉट ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो इस 3-डॉट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रीसेट टू डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन होगा, तो इस रीसेट टू डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर एक नीचे देख सकते रीसेट का ऑप्शन है, इस रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप लोगों का जो APN सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा और आप लोगों का जो जब APN सेटिंग रीसेट होगा तो आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने सैमसंग M34 5G फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।